तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को चेंज करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में। मैं नहीं मानता। अरे यार सच में आज मैं आपको कुछ ऐसे मोड देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी माइनक्राफ्ट की पॉकेट एडिशन को चेंज कर सकते हो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में। और भाई अगर आप किसी को भी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजोगे ना तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये पॉकेट एडिशन है या जावा एडिशन। मतलब भाई बिल्कुल जावा एडिशन ही लगने दिया, उसे यही लगेगा कि आप जावा एडिशन खेल ले हो। तो भाई आप अपने दोस्तों का पागल भी बना सकते हो उसकी मदद से। तो भाई अगर आपको भी अपने पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में बनाना है तो बस वीडियो को एंड तक वॉच करना, और उसके साथ साथ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लोग वीडियो देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, हमारे चैनल पर हो चुके हैं 10K सब्सक्राइबर, तो इसी खुशी में हमारे चैनल पर आने वाला है Q&A वीडियो। तो गाइज इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको मुझसे पूछना हो। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको चैनल पर भी मिल जाएगी, तो जाके इसके कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लो प्लीज़। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और जावा एडिशन में जो फ़र्क है ना, मतलब भाई वो है हमारी लॉबी के अंदर। मतलब भाई माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की लॉबी काफ़ी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन यार जावा वाली काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। तो हमारा सबसे पहला मोड होगा इसी लॉबी को चेंज करने के लिए। तो गाइस अभी आप सब देख सकते हो हमारी लॉबी कुछ इस तरह की दिख रही है। अब आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके ग्लोबल रिसोर्स में जाके वहाँ पर आपको एक इस मोड को एक्टिवेट कर देना है। तो गाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको बैक कर देना, और आप जैसे ही बैक करोगे ना बस आपको थोड़ा सा लोडिंग मांगेगा, उसके बाद आपको पूरी गेम चेंज मिलेगी। तो गाइज देख सकते हो आप सब हमारी पॉकेट एडिशन चेंज हो चुकी है जावा एडिशन में। और भाई अब किसी को भी स्क्रीनशॉट भेजोगे ना वो कह ही नहीं सकता कि भाई ये पॉकेट एडिशन है। और भाई वर्जन भी नीचे देख सकते हो माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है 1.51 वाला। तो भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है ये देखने में। और भाई अब आगे देखते हैं हमारे वर्ल्ड कैसे दिखने वाले हैं। तो गाइज देख सकते हो भाई बिल्कुल जावा एडिशन वाली फील आ रही है यहाँ पर हमें। तो गाइस वर्ल्ड जनरेट भी बिल्कुल जावा एडिशन की तरह हो रहा है। तो भाई मतलब एकदम मस्त मोड है ये। तो गाइस हमने अपनी लॉबी तो चेंज कर ली, लेकिन भाई ये माइनक्राफ्ट के ये बटन और ये यूआई जो है ना, इससे पता चलता है कि हम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेल रहे हैं। तो गाइस अब हमारा अगला मोड होगा इसी को चेंज करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले इस मोड को आपको डाउनलोड करके अपने रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक में एक्टिवेट करना होगा, और फिर गाइस आपके यूआई कुछ इस तरह की दिखने वाली है। तो गाइस देख सकते हो अब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि मैं जावा एडिशन खेल रहा हूँ। मतलब भाई बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बटन हमारे हाइड हो चुके हैं लेकिन इन्वेंटरी नज़र आ रही है। जावा एडिशन में भाई बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है ये। और गाइस इसमें आपकी इन्वेंटरी भी बिल्कुल जावा एडिशन जैसी हो जाएगी। तो भाई ये दो मोड ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि ये आपकी माइनक्राफ्ट को सचमुच में बिल्कुल जावा एडिशन बना देंगे। अगर आपको पॉकेट एडिशन में जावा वाली फील लेनी है ना, तो ये दोनों मोड बिल्कुल बेस्ट रहने वाले हैं। तो चलो गाइस ये दोनों मोड तो आपने देख लिए। अगर ये दोनों मोड पसंद आए ना तो लाइक करो, और अभी आगे भी काफ़ी सारे मोड हैं, तो चलो अब उनके तरफ चलते हैं। तो गाइस जो अगली चीज़ है ना जो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में मिलती है लेकिन पॉकेट एडिशन में नहीं, वो ये है कि भाई हम अपने लेफ्ट हैंड में टॉर्च नहीं पकड़ सकते पॉकेट एडिशन में, लेकिन जावा एडिशन में पकड़ सकते हैं। तो देखो भाई मैं यहाँ से टॉर्च लेके अपने लेफ्ट हैंड में अगर पकड़ने की कोशिश करूँगा ना तो मैं पकड़ नहीं सकता। देखो भाई मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ दबा रहा हूँ इस शील्ड वाले ऑप्शन पर, लेकिन ये पकड़ नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, इस मोड को डाउनलोड करके यहाँ टॉर्च रखनी है क्राफ्टिंग टेबल में, और इस टॉर्च को ले लेना है लेफ्ट हैंड टॉर्च को। बस भाई ये जो आप न्यू टॉर्च क्राफ्ट करोगे इसको आप लेफ्ट हैंड में इजीली पकड़ सकते हो। देख सकते हो भाई मैंने भी यहाँ पे पकड़ी हुई है। तो आपको ये मोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब देखो भाई मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना वहाँ पे लाइट आ जाएगी, और मैं इसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ कर आराम से माइनिंग वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हो भाई ये मोड काफ़ी सही है। तो गाइज ये भी आपकी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में चेंज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और भाई अगला जो मोड है ना वो तो इतना ज़्यादा एपिक है, तो चलो सबसे पहले चल के अब वो दिखाता हूँ मैं।
तो गाइज नेक्स्ट मोड होगा हमारा गेम मोड चेंज करने के लिए। तो देखो भाई जावा एडिशन में हम कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और भाई अब ये मोड आ चुका है जावा एडिशन से पॉकेट एडिशन के लिए। तो भाई ये काफ़ी तगड़ा है, देखो बस आपको ऐसे क्लिक करना और यहाँ से आप क्रिएटिव सर्वाइवल में हो सकते हो। और भाई इसे देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये पॉकेट एडिशन में है, पर भाई ये पॉकेट एडिशन में आ चुका है। इसे करने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये मोड डाउनलोड करना है। उसके बाद इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको अपनी इन्वेंटरी में एक F3 और F4 बटन देखने को मिलेगा। आपको उसको लेना है और आपको कुछ इस तरह उसे होल्ड करना है। इसे होल्ड करने के बाद आपके सामने कुछ ये ऑप्शन आएगा, आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 4 मोड देखने को मिल जाएंगे, बस आप इजीली अपना मोड चेंज कर सकते हो। तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मोड था और ये जावा एडिशन बना देगा आपको पॉकेट एडिशन को। तो भाई आपको कौन सा मोड अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई इस मोड की मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो।